Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, I am going to discuss about post-fertilization. There are mainly four events occur during post-fertilization. Post-fertilization के दौरान मुख्य रूप से चार घटनाएं घटती है, events होते हैं, जिनमें सबसे पहला event जो होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये एंडोस्पर्म है क्या, व्हाट इज एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म इज फूड लैडन टिश्यू, ये एंडोस्पर्म एक फूड लैडन भोजन से भरा हुआ टिश्यू है। एंडोस्पर्म इज फूड लैडन स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये भोजन से भरा हुआ एक स्पेशल तरह का टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे, तो डेवलपिंग जायगोट को, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जायगोट। जायगोट जो है डेवलप करता है इम्ब्रियो में, और इस डेवलपमेंट के दौरान उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाएगा एंडोस्पर्म के द्वारा। तो यह एंडोस्पर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एंडोस्पर्म है क्या, तो एंडोस्पर्म एक फूड लैडन टिश्यू है, एक स्पेशल टिश्यू है, खास टिश्यू है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जायगोट को। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म इज ट्राइप्लॉयड VVI। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्राइप्लॉयड, निम्नलिखित में से ट्राइप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा या तो पेन या तो एंडोस्पर्म, और यही स्ट्रक्चर जो होगा वो ट्राइप्लॉयड होगा। ट्राइप्लॉयड का मतलब हैविंग थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास में तीन सेट होंगे क्रोमोसोम के। अब यहां पे ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि आखिर ये एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉयड है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, लेकिन इस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता कहां से है, तो एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पेन से इसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये पेन कहां से बनता है, तो इसके बारे में हमने फर्टिलाइजेशन के दौर टॉपिक के दौरान बताया था आपसे कि इन एंजियोस्पर्म देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, सॉरी फ्यूजन अकर्स, फर्स्ट इज वेजिटेटिव एंड सेकंड इज जेनरेटिव। इन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन ट्राइप्लॉयड पेन वॉज फॉर्म्ड, वेजिटेटिव में दिखलाए थे कि वहां पे ट्राइप्लॉयड पेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एंडोस्पर्म
develop from pain or PEC, primary endosperm cell. और यह पेन जो है, ये पेन जो है यह किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ था, कहां से फॉर्मेशन हुआ था? तो पेन इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. ये जो पेन है, यह पेन का फॉर्मेशन कहां से हुआ था? तो ट्रिपल फ्यूजन से. यानी कि ट्रिपल फ्यूजन में क्या क्या हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं. दो पोलर न्यूक्लियाई था, एन और एल. हमने आपको बताया था कि जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस, डाइप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया था. ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद मेल गैमेट. मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया था. दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद मेल गैमेट एंड फॉर्म ट्राइप्लॉइड पेन, एंड दिस पेन डेवलप इंटू एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज टिश्यू, पेन इज सिंगल सेल, एंड दैट इज व्हाई pain is primary endosperm nucleus is also known as primary endosperm cell. तो ये था इसका फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, किस तरह से फॉर्म किया था. इन सारे चीजों के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में, और ये एंडोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए. तो अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज एंडोस्पर्म, तो आप ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे. अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि आखिर जो एंडोस्पर्म है फॉर डेवलप किया है पेन से, तो कैसे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम पेन बाय टू मैकेनिज्म. फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, एंड सेकंड इज सेलुलर डेवलपमेंट. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बारे में. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म may develop by free nuclear development or cellular development. अब ये फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में किस तरह से डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का, सेलुलर डेवलपमेंट में किस तरह से डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का, ये हम लोग देखेंगे. यहां पे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में कहता है कि न्यूक्लियस ऑफ पेन डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन. यानी कि यहां पे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में कहता है रिपीटेड डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में, पेन के न्यूक्लियस में, और वो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बिना सेल वॉल के फॉर्मेशन का होगा, यानी कि विदाउट साइटोकाइनेसिस. इन दिस d
डेवलपमेंट न्यूक्लियस ऑफ पेन डिवाइड विदाउट साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में याद रखेंगे सिंगल लाइन में कि फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में कैरियोकाइनेसिस होगा, रिपीटेटिव कैरियोकाइनेसिस होगा विदाउट साइटोकाइनेसिस। रिपीटेटिव कैरियोकाइनेसिस का मतलब, तो कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सपोज कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है इम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज्ड इम्ब्रियो सैक, यानी कि वह इम्ब्रियो सैक जहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद दो सेल हमें मिला था, फर्स्ट सेल जो था वो जायगोट का, जायगोट कैसा था तो डाइप्लोइड था, दिस इज जायगोट, ये जायगोट डेवलप करता है इम्ब्रियो सैक में, लेकिन इसे डेवलप करने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा कौन, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा ये एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब कि ये जायगोट इम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म करे उससे पहले हमें एंडोस्पर्म बना लेना होगा। अब यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर जो था, दूसरा सेल का टाइप था, वो ट्राइप्लॉयड था, ये सेंट्रल सेल है, ट्राइप्लॉयड सेल जिसे हमने कहा था, इस ट्राइप्लॉयड सेल को हमने क्या कहा था, पेन कहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहां पे कह रहा है कि फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में इस न्यूक्लियस में, पेन के न्यूक्लियस में रिपीटेटिव डिवीजन होगा, रिपीटेटेड न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और ये कैरियोकाइनेसिस जो होगा किस माध्यम से होगा, तो माइटोसिस के माध्यम से होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यह न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करना शुरू करेगा, यहां पे कह रहा है कैरियोकाइनेसिस अकस विदाउट साइटोकाइनेसिस, बिना साइटोकाइनेसिस का होगा, यानी कि एक बार डिवाइड करेगा दो न्यूक्लियाई, दो से चार न्यूक्लियाई, चार से आठ न्यूक्लियाई, और इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में डेवलप करेगा, डिवाइड कर जाएगा आफ्टर रिपीटेटिव न्यूक्लियर डिवीजन, दिस स्ट्रक्चर बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिस इज जायगोट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड और क्वाइनोसाइटिक स्टेज। याद रखिएगा क्वाइनोसाइटिक, क्वाइनोसाइट किसे कहते हैं, तो द सेल हैविंग नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई, जिसके पास में बहुत सारा न्यूक्लियाई होगा वह सेल कहलाएगा क्वाइनोसाइट, और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को हम लोग क्वाइनोसाइटिक स्टेज भी कहेंगे। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि अब जब ये पूरी तरह से न्यूक्लियाई जो है डिवाइड कर लेता है, तो डिवीजन के बाद अब हो सकता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस होने के लिए कहता है कि ये पूरी तरह से भी साइटोकाइनेसिस होगा और आधा साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कहने का मतलब कि जो जितना सारा आपको न्यूक्लियाई दिख रहा है, इन सारे के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और या फिर कुछ के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और कुछ के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन
नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब डिवीजन, बंटवारा। अब ये बंटवारा जो है हो सकता है इनकम्प्लीट और हो सकता है कंप्लीट, यानी कि जो बंटवारा हो पूरी तरह से हो जाए या फिर इनकम्प्लीट रह जाए, यानी कि पूरी तरह से नहीं हो। तो इनकम्प्लीट में होता क्या है, तो इनकम्प्लीट में कहता है न्यूक्लियाई, सम न्यूक्लियाई सराउंड, या फिर हम ऐसे लिखेंगे सेल वॉल फॉर्म्ड अराउंड सम न्यूक्लियाई। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्म किया जाता है, वह फॉर्मेशन कुछ न्यूक्लियाई के चारों तरफ होगा। तो कुछ न्यूक्लियाई, इनमें से कुछ के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ क्या होगा, वो बच जाएगा। तो सम रिमेन फ्री, और इस वजह से कुछ फ्री रह जाएंगे। जैसा कि कंडीशन आपका इसका एग्जांपल में देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, एग्जांपल कोकोनट। कोकोनट में आप देखते होंगे कि कोकोनट के अंदर में पानी मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। वह पानी है क्या, तो पानी जो है वह इंडोस्पर्म है। कैसा इंडोस्पर्म, तो वैसा इंडोस्पर्म का न्यूक्लियाई जिसके चारों तरफ से सेल वॉल का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और उसी कोकोनट में आप देखते होंगे कि व्हाइटिश कलर का रीजन होता है जिसे खाया जाता है, वो पार्ट भी इंडोस्पर्म ही है, लेकिन वह इंडोस्पर्म ऐसा इंडोस्पर्म है जिसके चारों तरफ से सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहां पे कह रहा है कि सेल वॉल फॉर्म्ड अराउंड सम न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो जिसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ वो व्हाइटिश वाला पार्ट है, एंड सम रिमेन फ्री, और कुछ के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं रहा हुआ और वह ऐसे ही बच गया, फ्री हो रह गया। और जो फ्री न्यूक्लियाई है वो है वाटर और कोकोनट। तो कोकोनट में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है इंडोस्पर्म का। उसके बाद कहता है कंप्लीट। कंप्लीट किसे कहेंगे, सेल वॉल फॉर्म्ड अराउंड ऑल न्यूक्लियाई। सेल वॉल जो हो का फॉर्मेशन जो होगा सारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल हो सकता होता है, आप मेज को ले लीजिए, राइस को ले लीजिए, व्हीट को ले लीजिए, ये सारे के पास जो डेवलपमेंट होता है इंडोस्पर्म का वह कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होता है। और जहां पे कोकोनट के पास केस होगा वहां पे इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है ड्यूरिंग इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहे तो आप पूछ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, सेलुलर डेवलपमेंट। सेलुलर डेवलपमेंट क्या है, तो सेलुलर डेवलपमेंट में कहता है जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता रहेगा, यानी कि इन सेलुलर डेवलपमेंट कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सॉरी, इन सेलुलर डेवलपमेंट इन दिस डेवलपमेंट
कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मान लिया जाए कि यहां पे ये आपका जाइगोट और ये पेन का न्यूक्लियस, जैसे ही ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो सेल में, यानी कि सॉरी दो न्यूक्लियाई में, दो न्यूक्लियाई में डिवाइड करने के बाद इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर इसमें डिवीजन होगा ये दोनों न्यूक्लियाई में, ये फिर डिवाइड करेगा दो में, ये भी करेगा दो में, और उसके बाद फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इस स्टेज में, इस कंडीशन में सेल वॉल का जो डेवलपमेंट होता है वह शुरुआती समय से ही होता रहता है। तो ये सेलुलर डेवलपमेंट है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं धतूरा। धतूरा में जो होगा डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का, वो सेलुलर डेवलपमेंट होता है। मुख्य रूप से जो देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट वह फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जहां पे कि सेलुलर डेवलपमेंट होता है। तो ये दो प्रोसेस था जिसके द्वारा पेन से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किया जाता है। अब इसी के आधार पे, इस डेवलपमेंट के ही आधार पे एंडोस्पर्म को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एंडोस्पर्म को तीन टाइप में, सॉरी यहां पे आप देख सकते लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे एंडोस्पर्म को हम तीन टाइप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि कोकोनट का एंडोस्पर्म कैसा होगा, तो कोकोनट का एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या देखे हम लोग कि वहां पे कैरियोकाइनेसिस फॉलोड किया जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस चलता रहेगा। फ्री न्यूक्लियर में हम लोग देखे थे कि पहले, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज का डेवलपमेंट होगा, और मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज के बाद वहां पे उन सारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्लीवेज होगा, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब तीसरा जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है यह मिक्सर होता है, ये मिक्सर होता है फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट का और सेलुलर डेवलपमेंट का। इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पे ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियाई न्यूक्लियस है पेन का, यह न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो में, दो से इसके बाद इसके चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल बन जाएगा। दो से चार में, अब कहता है कि इन चार में से कोई एक ऐसा सेल होगा जिसका न्यूक्लियाई जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो रिपीटेटेड डिवीजन करना शुरू कर देगा। यानी कि इसका कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब यहां पे जो चौथा सेल है उसका न्यूक्लियाई जो है, सॉरी न्यूक्लियस जो है रिपीटेटिव कैरियोकाइनेसिस करना शुरू कर देगा विदाउट साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे तीन तो जो है वहां पे सिंगल सिंगल से न्यूक्लियस है, लेकिन इस सेल में न्यूक्लियाई जो है वो बहुत सारा हो गया, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज हो गया। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है, और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होगा जनरली पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो ये था एंडोस्पर्म।
इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, इंडोस्पर्म का टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट इवेंट डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। थैंक यू।